याद रखना, आपकी सोच से ही आपका विश्वास बढ़ता है और आपकी सोच से ही आपका विश्वास खत्म होता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसको बढ़ाना है, आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है या उसे ख़त्म करना है। वीडियो में आज बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आखिर ये प्री ओवुलेशन क्या चीज़ है, क्यों प्री ओवुलेशन को जानना ज़रूरी है, किस लिए प्री ओवुलेशन की ट्रैकिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्या महत्व रखता है कि प्रेगनेंसी में ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरे वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी आए वीडियो के दौरान तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं सभी के आंसर देती हूँ, ये मेरे सभी व्यूअर को पता है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और बहुत सारा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप मेरे साथ होते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर दूं, इसीलिए मैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी कोटेशंस आपको सुनाती हूं। वीडियो में समझते हैं कि आखिर प्री ओवुलेशन क्या है, ये प्री ओवुलेशन वर्ड क्या है। प्री का मतलब पहले, ओवुलेशन तो आई होप कि सभी जानते हैं। अगर आप ओवुलेशन नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियोज़ में जाके अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए। ओवुलेशन वाला पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि ओवुलेशन क्या होता है। आप सब जानते हैं कि हमारी दो ओवरी होती हैं, एक यूट्रस होता है, दो फॉलोपियन ट्यूब होती हैं। इन दोनों ओवरी में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं दोनों। हमारी एक लेफ्ट साइड में ओवरी होती है, एक राइट साइड में ओवरी होती है। दोनों में बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। इन फॉलिकल्स को हम हमारी आँखों से नहीं देख सकते। हर एक फॉलिकल के अंदर छोटा सा, इतना प्यारा सा एक अंडा समाया होता है हर एक फॉलिकल के अंदर दोनों तरफ। लेकिन इन अंडे को ना तो आँखों से देखा जा सकता है, ना ही किसी मशीन के द्वारा देखा जा सकता है, किसी भी तरह से हम इसे नहीं देख सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि ये 120 माइक्रोन का होता है, इतने छोटे होते हैं कि इनको किसी भी मशीन से हम नहीं देख सकते। लेकिन ये जिसके अंदर रहते हैं उसको हम देख सकते हैं, मतलब हम फॉलिकल को देख सकते हैं, उनकी ग्रोथ को देख सकते हैं, वो कैसे कैसे ग्रो करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सोनोग्राफी या फॉलिकल मॉनिटरिंग से पता चल जाती है ना। आपने देखा होगा कि जब फॉलिकल ग्रो करता है, फॉलिकल बढ़ता है, तो माना जाता है कि हर एक फॉलिकल के अंदर जो अंडा समाया है ना, वो भी इसी तरह से ग्रो करता है। ग्रो किसकी वजह से करता है सब जानते हैं अब तो। हमारे अंदर मौजूद जो ओवरी के अंदर हमारे जो सेक्स हार्मोन होते हैं, हमारी फीमेल सेक्स हार्मोन जिन्हें बोलते हैं एस्ट्रोजन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, इन दो हार्मोन की मदद से फॉलिकल बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं। और सभी दोनों ओवरी में से जो भी एक रेस लग जाती है बड़े होने की, मैच्योर होने की, लेकिन दोनों ओवरी में से कोई एक अंडा जीत जाता है। उस अंडे को हम बड़ी मेडिकल भाषा में बोल देते हैं कि ये अंडा या ये फॉलिकल बन गया है डोमिनेंट फॉलिकल, यानी ये जीत के आ गया है, तो हम इसे डोमिनेंट फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और जैसे ही डोमिनेंट बन जाता है तो डोमिनेंट बनने के बाद ये फूटता है। क्या फूटता है? फॉलिकल फूटता है और उस फॉलिकल के अंदर जो अंडा समाया था वो बाहर निकलता है। इसी पूरी प्रक्रिया को ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। ये जब ओवुलेशन जब होता है उसके बाद ये अंडा हमारी फॉलिपियन ट्यूब, बाद की सारी प्रक्रिया आपकी ये फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और ये सारी प्रक्रियाएं बेबी बनने की स्टार्ट होती हैं। और जब बेबी नहीं बनता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं बनती है, तो पीरियड की फॉर्म में ये अंडा हमारी वेजिना के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे प्री ओवुलेशन क्या वर्ड है? देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आपका नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है, तो हर एक लेडी को ये बात पता होगी कि डॉक्टर आपको पीरियड के सेकेंड डे विजिट करने के लिए बोलते हैं अपने क्लिनिक पर। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। हर एक महिला को हॉस्पिटल में पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे आपको बोलते हैं कि आइए, आप पीरियड के सेकेंड डे आइएगा और उस वक्त हम आपकी फॉलिकल मॉनिटरिंग करेंगे। पीरियड के सेकेंड डे ही क्यों करते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग? क्योंकि
पीरियड के सेकेंड डे से ही हमारा नेक्स्ट मंथ का पीरियड का फॉलिकल पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मंथ के जो फॉलिकल हैं उसको हम पीरियड के सेकेंड डे जो प्रॉब होता है, जो फॉलिकल मॉनिटरिंग करने का जो मशीन है उसके थ्रू जब हम वेजिना के अंदर उसको डालते हैं तो उससे दोनों ओवरी में फॉलिकल की बढ़ने की ग्रोथ उनकी दिखती है। उनको हम मॉनिटर में देख लेते हैं कि फॉलिकल कितना बड़ा हो रहा है। अंडे को नहीं देख पाते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फॉलिकल के अंदर बसा हुआ अंडा जो है हम उसको नहीं नज़र कर पाते हैं, उसको नहीं हम देख पाते हैं मशीन के थ्रू भी, केवल फॉलिकल जो है ना जिसके अंदर यानी कि अंडे के घर को हम देख लेते हैं कि घर कितना बढ़ रहा है, क्या उसकी ग्रोथ है, जिसके अंदर अंडा रह रहा है उस फॉलिकल की ग्रोथ को हम पीरियड के सेकेंड डे से वो बनना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रोथ उसकी होना शुरू हो जाती है नेक्स्ट मंथ के पीरियड के लिए, ठीक है। तो उस दौरान डॉक्टर जब पीरियड के सेकेंड डे आपके फॉलिकल की स्टडी करती हैं, प्रॉप के थ्रू करती हैं, वो मशीन वेजिना के थ्रू, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है ये टेस्ट, इजीली आपको वेजिना के थ्रू प्रॉप डाला जाता है और हल्की सी स्कैनिंग करके मॉनिटर पे सारे फॉलिकल्स दोनों ओवरी के आपके दिख जाते हैं कि उनका साइज़ कितना कितना बड़ा हो गया है। पीरियड के सेकेंड डे उनकी ग्रोथ पता चलती है, फिर आपको सेवेंथ डे बुलाते हैं। सेवेंथ डे तक ये फॉलिकल आपका मैच्योर हो जाता है, 16 से 19 एमएम का बनकर जब रेडी हो जाता है तो उस टाइम पीरियड में डॉक्टर फॉलिकल की जब मॉनिटरिंग करती हैं तो पता लगाती हैं कि क्या फॉलिकल ग्रोथ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, हार्मोन मिल भी रहे हैं जो उनकी खुराक है, वो हार्मोन मदद कर रहे हैं उसको ग्रो करने के लिए। वो सारी की सारी चीज़ें हमें प्री ओवुलेशन टेस्ट यानी कि यही फॉलिकल मॉनिटरिंग से पता चल जाती है। और अगर किसी तरह की उस दौरान अंडे में बढ़ोतरी कम हो रही है या अंडा बड़ा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर हमें कुछ हार्मोन्स ट्रीटमेंट देती हैं, कुछ हमें मल्टी विटामिन्स देती हैं, फॉलिजॉब्स हो गए या बहुत सी फॉलिक एसिड चीज़ें देती हैं जिससे कि अंडा ग्रो करता है, बड़ा होता है। तो पीरियड के सेकेंड डे बुलाने पर, आपके फॉलिकल की मॉनिटरिंग करने पर, उनको बड़ा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट देने की इस पूरी प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं प्री ओवुलेशन ट्रैकिंग। पीरियड के सेकेंड डे जब आप जाती हैं, विजिट करती हैं अपने अपने फॉलिकल की, सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू आपको पता चल जाती है। और जब ये अंडा 20 एमएम का हो जाता है उसके बाद अगर आपका अंडा नेचुरल तरीके से फट नहीं रहा है, LH हार्मोन जो कि फटने के लिए फॉलिकल को तोड़ने के लिए एक ही हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि 24 से 32 घंटे पहले ही रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने पर ये रप्चर करता है यानी कि जो फॉलिकल डोमिनेंट बन के आया जिसके अंदर अंडा समाया उसको फोड़ता है, फोड़ने में मदद यानी ट्रिगर करता है LH हार्मोन। जब ये LH हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मेरे वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, LH हार्मोन वो फटने के लिए उसको ट्रिगर करता है। जैसे ही वो फटता है फॉलिकल, उसके अंदर समाया हुआ अंडा बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद हमारी फॉलोपियन ट्यूब उसे पकड़ लेती है अपने पास, है ना, ये पूरी प्रोसीजर है। LH हार्मोन केवल 24 से 32 घंटे पहले रिलीज होता है फटने के लिए। अगर सपोज किसी फीमेल के LH हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है तो डॉक्टर क्या करती हैं, LH हार्मोन बाहर से इंसर्ट करती हैं, एक इंजेक्शन देती हैं, उस इंजेक्शन के थ्रू आपका एग रप्चर कराया जाता है, फोड़ाया जाता है, इनको टूटने के लिए, उस फॉलिकल को तोड़ने के लिए एक अलग से इंजेक्शन बाहर से दिया जाता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से बॉडी LH को रिलीज नहीं कर रही है इसलिए। तो ये पूरी प्रोसीजर मैंने जो आज अभी आपको समझाई है ये प्रोसीजर कहलाती है प्री ओवुलेशन ट्रैकिंग। प्री ओवुलेशन वर्ड के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे क्यों करना पड़ता है, देखिए अगर आप बहुत थक हार गई हैं, अगर आप बहुत नेचुरल कंसीव करने में आपने सालों बर्बाद कर दिए हैं
तो पर्सनली मैं आपको ये ज़रूर सजेशन दूंगी कि आप प्री ओवुलेशन ट्रैकिंग करवाइए, जिससे कि कम से कम आपको ये पता चल जाए कि आपके ओवरीज में जो फॉलिकल हैं उनको खुराक मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपकी बॉडी जो उनको बड़ा करती है फॉलिकल्स को, FSH को रिलीज़ करती है, इस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज़ करती है, तो ब्रेन बॉडी क्या फॉलिकल को वो सारी चीज़ें दे रही है बड़ा करने के लिए? अगर नहीं दे रही है तो इस प्रीओवुलेशन की वजह से आप पता लगा सकते हैं कि फॉलिकल बड़े हो रहे हैं या नहीं बड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो बहुत सेफ़ सप्लीमेंट्स देती हैं जिनसे वो बड़े होने लग जाते हैं। और जब वो बड़े होने लग जाते हैं, और बहुत से ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जिनसे आप नेचुरल अपने फॉलिकल्स को बड़ा कर सकती हैं, बहुत से ऐसे नेचुरल उपाय हैं, उसमें से सबसे पहला उपाय घर बैठे बिना किसी यूज़ के, पता है क्या, आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, देखिए कैसे फॉलिकल्स आपके बड़े होते हैं। आप डिप्रेशन में रहना छोड़ दीजिए, देखिए कैसे आपके फॉलिकल्स बड़े होते हैं। आप स्ट्रेस में जो रहती हैं, आप टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में रहती हैं, अपने आसपास निगेटिव माहौल को छोड़ दीजिए, देखिए कैसे फॉलिकल्स आपके बड़े होते हैं। आप इतना भी कर लेंगी ना, आपके फॉलिकल्स में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी और वो डोमिनेंट फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डोमिनेंट फॉलिकल बनना स्टार्ट होगा, आपको ओवुलेशन टाइम से होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से ड्रिंक हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे ड्रिंक पी लें, कौन कौन सी ऐसी रेमेडी घर पे बना के कर लें जिससे कि हमारा फॉलिकल्स को हम बाहर से उसे खुराक दे दें, हम बाहर से उसे खाना प्रोवाइड कर दें, वो सारी चीज़ें हम वीडियोस के दौरान समझेंगे। होप कि इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि प्री ओवुलेशन क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करवाना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल इनफर्टिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ओवरऑल टोटल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ, आपकी स्किन केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, हेयर केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और मैं हेल्दी रेसिपी की भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आप सबको पता है। तो लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा भरने के लिए आपके पास आती हूँ। थैंक यू सो मच।